Good afternoon, everyone. This is the continuation video of differentiation miscellaneous. We have already made video for question number 1 to 12. Now we will do remaining question in this video. To start with, we have question number 13. Karthik, can you please read it? Question number 13. Sin dy by dx is y equals to sin inverse x plus sin inverse under root 1 minus x square, where x lies between 0 and 1. Okay, thank you, Karthik. I'll write down that question for you so that you can easily understand it. Question number 13, वैसे तो डायरेक्ट ही हो जाएगा बेटा ये. Question number is 13. We have y is sin inverse x. आप चाहें तो substitution से भी कर सकते हैं, पर मुझे लग रहा डायरेक्ट ही हो जाएगा. ओके, अगर substitution से करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, देखो लेट कर लो, x के प्लेस पे पहले sin थीटा मान लो, और डायरेक्ट करना चाहते हो डायरेक्ट भी कर सकते हो. रेंज इसकी दी हुई है, x की माइनस वन टू प्लस वन होती है, आपको पता ही है. तो अगर x की जगह आप साइन थीटा पुट करते हैं तो आपको पता है साइन इनवर्स x क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा. तो जो इक्वेशन थी y साइन इनवर्स x की जगह आ गया थीटा, ये आ जाएगा साइन इनवर्स रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर. x की जगह ये आ गया. अब आप सभी को पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है. तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स इनटू ये है रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा. स्क्वायर और स्क्वायर रूट को आप कट कर दीजिए तो वाई जाएगा थीटा प्लस साइन इनवर्स ब्रैकेट कॉस थीटा. अब कॉस और साइन इनवर्स तो कैंसिल होने से रहे, आप सभी को पता है ये बात कि कॉस थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया करेगा. ठीक है, साइन और साइन इनवर्स को कट कर दीजिए, वी आर लेफ्ट विद थीटा प्लस पाई बाय टू माइनस थीटा. थीटा से थीटा कट कर दीजिए, हमारे पास y बच गया है एक कांस्टेंट विच इज पाई बाय टू. अब आपको dy बाय dx चाहिए, पाई बाय टू जो कि एक कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो. तो क्लास ये था क्वेश्चन नंबर 13 था आपके लिए. क्वेश्चन नंबर 14 प्लीज कार्तिक, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपनी बुक में मार्क कर लीजिए पहले. अंडर रूट 1 प्लस y plus y under root 1 plus x equals to 0 for x lies between minus 1 and 1. Prove that dy by dx equals to minus 1 by 1 plus x square. आपको पता है ये क्वेश्चन अगर आप डायरेक्ट करने जाएंगे, x root 1 plus y plus y root of 1 plus x हमारा 0 दिया हुआ है. पहले मैं एक काम करता हूँ, आपके लिए क्वेश्चन लिख देता हूँ. अगर आप डायरेक्ट करने चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा ये वाला, ठीक है. तो वैसे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास, इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है. सबसे पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख देता हूं, x रूट ऑफ वन प्लस y और y रूट ऑफ वन प्लस x. एक बार बुक सामने रखिए और x लाई कर रहा है, यहां लिख लो वेरी इंपॉर्टेंट बुक में, ठीक है. और हमें बेटा ये शो करना है कि जो dy बाय dx है ना, वो माइनस वन ओवर वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर आना चाहिए. ये चीज हमें प्रूव करनी है. अब इसे करने का तरीका देखिए, डायरेक्टली मत करना, इम्प्लिसिट फंक्शन है, डायरेक्ट डेरिवेट मत करना. पहले इसे ऐसे राइट में ले जाइए, इम्प्लिसिट मतलब जो एक्स और वाई के मिक्स होते हैं, ठीक है, ऐसे ले जाइए. अब दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दीजिए, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ अगर स्क्वेयरिंग कर दोगे ये हो जाएगा x रूट ऑफ वन प्लस y होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस y रूट ऑफ वन प्लस x होल स्क्वायर. ये बन जाएगा x स्क्वायर ब्रैकेट वन प्लस y इक्वल टू y स्क्वायर ब्रैकेट वन प्लस x बन जाएगा. इसकी मल्टीप्लाई कीजिए एक्स स्क्वायर की वन से, फिर वाई से, यहाँ वाई स्क्वायर की वन से और एक्स से,
तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, ये चीज बन जाएगी। अब आपको करना क्या बेटा, ये वाई स्क्वायर को लेफ्ट में ले आओ, मतलब इसमें पहले सॉल्व करना है कार्तिक, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। इसके फैक्टर बनाओ, ए माइनस बी, ए प्लस बी, और इसमें से कॉमन लो, एक्स वाई मत कॉमन लेना, माइनस एक्स वाई लेना। ठीक है, ऐसा इसलिए कर रहा हूं मैं, माइनस एक्स वाई लोगे यहां बचेगा माइनस वाई, यहां बच जाएगा प्लस एक्स। और ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कट जाए, अगर आपको इसे सीधा लिखना है आप इसे ऐसे लिख दीजिए, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस एक्स वाई ब्रैकेट एक्स माइनस वाई, और ये एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई को कट कर दीजिए। ठीक है, विल बी लेफ्ट विद एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई, ये ध्यान रखना। अब क्या काम करो, एक्स को मतलब वाई को अलग करो, उसके लिए वाई वाली टर्म को एक साथ लिखो ऐसे, और ध्यान दीजिए यहां से माइनस वाई कॉमन ले लीजिए, अंदर बच गया एक्स प्लस वाई। पहले क्या करो, माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो और फिर ये एक्स प्लस वन को इसके नीचे ले जाओ, तो ये आ गया माइनस एक्स ओवर एक्स प्लस वन इक्वल टू में वाई। अब आप इसे डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये जो माइनस है इसे बाहर रखो, फॉर्मूला आपको पता ही है, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर यानी कि एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स विच इज वन, क्योंकि मैंने माइनस पहले ही बाहर कर लिया था, माइनस न्यूमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस वन विच इज वन प्लस जीरो, और वाई का डेरिवेटिव कितना आ गया, डी वाई बाय डी एक्स आ गया। अब इसे सॉल्व कीजिए फर्दर, ये हो जाएगा एक्स प्लस वन माइनस एक्स अपॉन में एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू में डी वाई बाय डी एक्स, यहां से एक्स से एक्स काट दो, ये बच गया माइनस वन अपॉन में एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू में डी वाई बाय डी एक्स, और यही हमें लाना था। ठीक है, ये इसका लास्ट स्टेप है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास अच्छे से करना, डायरेक्ट मत करना, पहले ऐसे ही करना जैसे मैंने किया है। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं पता लगेगा, ये ऐसे क्वेश्चन है कार्तिक जो आप प्रैक्टिस से दो तीन बारी करोगे तब जाके होंगे, जब आपने थ्रू आउट द ईयर प्रैक्टिस किया होगा एग्जाम में आएगा कि हाँ पहचान जाओगे यार ये डायरेक्ट नहीं करना है, ऐसे लेफ्ट राइट ले जाके करना है, तो प्लीज मार्क कर लीजिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अब मैं चाहूंगा 15 पढ़े हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कार्तिक, माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर फॉर सम सी इज ग्रेटर देन 0 प्रूव दैट 1 प्लस डीवाई बाय डीएक्स स्क्वायर होल 3/2 डिवाइडेड बाय डबल डेरिवेटिव ऑफ y, इट इज अ कांस्टेंट, आगे बढ़ो, इट इज अ कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ a एंड b, मतलब उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, dy by dx और डबल डेरिवेटिव की वैल्यू निकालनी है, और ये जो भी एक्सप्रेशन होगा ना इसमें a और b नहीं आएंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है ये 15, और थोड़ा सा ये लेंथी भी हो सकता है मैं पहले ही बता दूं, तो सबसे पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन में एक फंक्शन दिया है x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है ना, और c है ग्रेटर देन 0, आपको क्या शो दैट करना है, 1 प्लस मैं dy बाई डी एक्स की जगह से y1 लिख रहा हूँ, ये y1 का होल स्क्वायर होल का पावर 3/2 अपॉन में ये y2, हमें प्रूव करना है ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट भी है और ये इंडिपेंडेंट है, किससे, स्मॉल a और स्मॉल b से, ये ध्यान रखना है। तो ध्यान से देखिए इसे कार्तिक आप कैसे करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे इसे विद रिस्पेक्ट टू x, पहले ये आ जाएगा 2 ब्रैकेट में x माइनस a होल की पावर 1
इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस ए, एक्स का वन हो गया और ए का जीरो हो गया, वाई माइनस बी का होल स्क्वायर टू, ब्रैकेट वाई माइनस बी होल की पावर ये वन है, इनटू में डेरिवेटिव ऑफ वाई माइनस बी, वाई का डेरिवेटिव हो गया डी वाई बाई डी एक्स और बी का डेरिवेटिव हो गया जीरो, और यहाँ से सी स्क्वायर एक कॉन्स्टेंट है उसका डेरिवेटिव हो गया ये जीरो। ये सॉल्व होके बन गया टू ब्रैकेट एक्स माइनस ए प्लस टू ब्रैकेट वाई माइनस बी इंटू में डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में जीरो। यहाँ से टू और कॉमन ले लीजिए आप, तो ये बन जाएगा x माइनस ए प्लस वाई माइनस बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में जीरो। मैं तो चाहूंगा कार्तिक आप यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालें, तो ये हो जाएगा x माइनस ए प्लस वाई माइनस बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो अपॉन में टू, और आपको पता है जीरो बाई टू क्या होगा, जीरो होगा। x माइनस ए को उधर ले जाओ, साइन चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा y माइनस बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में x माइनस ए, और आपको पता है ये माइनस ब्रैकेट में x माइनस ए हो जाएगा a माइनस एक्स, इसे एज इट इज रखो अभी, और अगले स्टेप में इसे भी इसके नीचे ले जाओ, तो डी वाई बाई डी एक्स जो है वो हमारा होगा a माइनस एक्स अपॉन में y माइनस बी, इसे आप इक्वेशन नंबर वन दे दीजिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसका फिर से डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, वो कर लेंगे, मैं वो वैल्यू इस एक्सप्रेशन के अंदर डालूंगा ना, इसे तो मैं टच ही नहीं कर रहा हूँ, राइट। मैं यही इसी स्टेप से कंटिन्यू कर रहा हूँ, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जो आया था उसी को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका एक और डेरिवेटिव डी टू वाई बाई डी एक्स टू हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में यहाँ है डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, मतलब वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, ये है डिनोमिनेटर यानी कि y माइनस बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ a माइनस एक्स, ए का हो गया जीरो और माइनस एक्स का हो गया माइनस वन। ठीक है, माइनस ब्रैकेट a माइनस एक्स इंटू में डेरिवेटिव ऑफ y माइनस बी, y का हो गया dy वाई बाई डी एक्स और b एक कॉन्स्टेंट है उसका डेरिवेटिव हो गया जीरो। y माइनस बी की माइनस वन से कर तो ये हो जाएगा माइनस वाई प्लस बी। ठीक है ना, और ये ऐसे ही रहने दे, माइनस ब्रैकेट ए माइनस एक्स, और क्यों ना यहाँ पर हम डी वाई बाई डी एक्स माइनस जीरो हो गया, डी वाई बाई डी एक्स उसकी वैल्यू मैं डाल रहा हूँ, डी वाई बाई डी एक्स की जगह मैं लिख सकता हूँ ए माइनस एक्स ओवर में वाई माइनस बी, और ये ऐसे है होल डिवाइड में वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ से कोई पूछे तो इक्वेशन नंबर वन से वो वैल्यू आई है, मैं ये भी लिख देता हूँ कि डी वाई बाई डी एक्स की जगह मैंने लिखा है a माइनस एक्स अपॉन में y माइनस बी। अब मैं इसी स्टेप में कार्तिक इसे ऐसे अपॉन वन लिख के ना इसका एलसीएम ले रहा हूँ, राइट, एलसीएम आ गया y माइनस बी, y माइनस बी इसमें से माइनस कॉमन ले लियो, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा माइनस ब्रैकेट में y माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ध्यान से देख तो ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है, और ये देख डी टू वाई बाई डी एक्स टू को एज इट इज रहने दे, इसमें से अब माइनस कॉमन ले ले तो अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में वाई माइनस बी की इससे कर मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा वाई माइनस बी का होल क्यूब, और इसकी जगह ध्यान से देख y माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस ए माइनस एक्स के होल स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर आ जाएगा, राइट, ये सी स्क्वायर आ जाएगा, आई रिपीट, ये सी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, सी स्क्वायर कैसे होता चलेगा, ये देख फर्स्ट इक्वेशन देख ध्यान से, जो क्वेश्चन था y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए के होल स्क्वायर की जगह सी स्क्वायर है, राइट, अपॉन में y माइनस बी का होल क्यूब, तो ये मतलब मेन क्वेश्चन से ही आया, इसे मैं नंबर दे रहा हूँ टू। ठीक है बेटा, अब इतना ध्यान रखना, आई होप आपने ये नोट किया है, वैल्यूज नोट की है, मैं एक काम, अच्छा हाँ मुझे आपको दिखानी होगी वैल्यू, ध्यान से रखना, एक वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स की आई है हमारी ए माइनस एक्स अपॉन में वाई माइनस बी आई है, इसे इक्वेशन वन दिया है, और ये वाई डबल डैश है,
यानी कि डी टू वाई बाय डी एक्स टू की जो वैल्यू आई है वो आई है माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल क्यूब। अब अगर आपको, पहले मुझे पेज ड्रॉप करना पड़ेगा आपके लिए, अगर आपको ध्यान हो हमें वैल्यू चाहिए थी किसकी, वन प्लस वाई वन होल स्क्वायर होल का पार था थ्री बाय टू होल डिवाइडेड बाय में वाई टू। अब यहां ये वैल्यू डालूंगा, अगर आपको वाई वन की ध्यान हो तो वो क्या आई थी, वो आई थी ए माइनस एक्स अपॉन में वाई माइनस बी इसका होल स्क्वायर आई थी, ठीक है, होल की पार ऐसी है थ्री बाय टू अपॉन में वाई टू, वाई टू की वैल्यू आई है माइनस सी स्क्वायर अपॉन में वाई माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है, इतना ध्यान में रखना। अब इसे भी यहीं पर एक स्टेप और लिख रहा हूं, इसे सॉल्व करके आ जाएगा ऐसे अंदर, ये करिए साथ साथ करिए, ये आ जाएगा ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, होल का पार आई है थ्री बाय टू, इसका मैं यहाँ अभी एलसीएम लूंगा और अपॉन में ये माइनस सी स्क्वायर को नीचे रखो और ये वाई माइनस बी का होल क्यूब जो है ये न्यूमिनेटर में चला जाएगा। यहाँ आप एलसीएम ले लो, वन को लिख ले वन ओवर वन, ये हो गया वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब फिर से आपको अगर ध्यान हो क्वेश्चन का, अगर आपको ध्यान हो तो क्वेश्चन था x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का जो होल स्क्वायर था वो किसके इक्वल था, c स्क्वायर के, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, c स्क्वायर आ जाएगा, क्लियर है, न्यूमिनेटर की जगह ये आ गया c स्क्वायर अपॉन में है y माइनस बी का होल स्क्वायर, होल की पार है थ्री बाय टू इंटू वाई माइनस बी का होल क्यूब अपॉन में माइनस सी स्क्वायर आ जाएगा, राइट। अब आगे देखो, इसे सॉल्व करोगे तो ये ऐसे कर लो, c अपॉन y माइनस बी पूरे का ये होल स्क्वायर है और फर्दर उसका पार है ये 3 बाय 2 y माइनस बी क्यूब, ये ऊपर चला गया था न्यूमिनेटर में, ध्यान दीजिए, ठीक है, ये आ गया c ओवर y माइनस बी होल का पार क्यूब हो गया मल्टीप्लाई में, बिल्कुल स्टेप को देखो, स्टेप वाइज में मूव कर रहा हूं, ये होल क्यूब है अपॉन में वही माइनस सी स्क्वायर है। अब इसे सॉल्व करो तो ये हो गया सी क्यूब, मैं फिर से लिख देता हूँ, ये हो जाएगा सी क्यूब अपॉन में ये हो गया वाई माइनस बी का होल क्यूब मल्टीप्लाई में वाई माइनस बी का होल क्यूब अपॉन में माइनस सी स्क्वायर, इससे ये पूरा कट गया। अगले स्टेप में लिखो सी क्यूब अपॉन में माइनस सी स्क्वायर, तो बच गया माइनस सी, आई रिपीट, ये बच गया माइनस सी। अब ये माइनस सी बचा है और आपको पता है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, किससे इंडिपेंडेंट है ये भाई, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ, एक तो कांस्टेंट है नंबर वन और इंडिपेंडेंट है वो ए और बी दोनों से, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ओके। तो क्लास ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो अभी हमने किया, क्वेश्चन नंबर था ये 15th, ठीक है। अब मैं चाहूंगा आप नेक्स्ट क्वेश्चन इसका करें जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। एक बार मैं फिर से, मुझे खोलना पड़ेगा आपके लिए, क्वेश्चन नंबर है 16, मैं बता देता हूँ, कार्तिक आप पढ़िए फटाफट क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए। If cos y equals to x cos a plus y with cos a is not equals to plus minus 1, prove that dy by dx equals to cos square a plus y by sin a। क्वेश्चन में आपके लिए बेटा एक काम करता हूँ, यहीं लिख देता हूँ, व्हाट्सएप में कुछ इशू आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए। क्वेश्चन है cos y हमें दिया हुआ है कितना, x cos of a plus y, और cos a जो है वो 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, हमें ये शो करना है कि dy by dx जो है हमारा वो cos square bracket a plus y over में sin a के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कैसे होगा, plus minus
नहीं, सबसे पहले तो इसे ऐसे नीचे लाएंगे इसके, और ये होगा इक्वल टू एक्स। ये एक ऐसा क्वेश्चन है, थोड़ा मैं सीधा लिख देता हूँ आपके लिए। ये हो गया कॉस वाई अपॉन कॉस ऑफ ए प्लस वाई। इसे कैसे करना है, इसे एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं करना, डिफरेंशिएट वाई के रिस्पेक्ट में करना है। आई बात समझ? फिर लास्ट में उसे पलट देंगे। देखिए, डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई। ये यू बाय वी का फॉर्म है, आप सभी को दिख रहा है। यू बाय वी का जो फॉर्म होता है, तो कार्तिक कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर, तो कॉस वाई का माइनस साइन वाई होगा, माइनस न्यूमिनेटर यानी कि कॉस वाई एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, यानी कि ये हो गया माइनस साइन ब्रैकेट ए प्लस वाई। अब ये इसे सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, राइट, ये ऐसे बन गया माइनस, ऐसे लिख लो साइन वाई को पहले लिख लो, फिर लिखो कॉस ऑफ ए प्लस वाई, या माइनस माइनस ये प्लस हो गया, साइन ऑफ ए प्लस वाई को मैं पहले लिख रहा हूँ और फिर लिख रहा हूँ कॉस ऑफ वाई। मैं ऐसा करके रहा हूँ, ये भी बता देता हूँ, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो फॉर्मूला है, ये है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। और अगर आपको ध्यान हो, ये किसका होता है फॉर्मूला, साइन ऑफ ए माइनस बी का होता है। साफ साफ दिख रहा है न्यूमिनेटर में ए है हमारा, कैपिटल ए है ए प्लस वाई, और बी है हमारा वाई। फॉर्मूला है ये साइन ऑफ ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ब्रैकेट, कैपिटल ए की जगह आ जाएगा ए प्लस वाई, और बी की जगह क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा, अपॉन में ये हो गया कॉस स्क्वायर ब्रैकेट ए प्लस वाई, वाई से वाई कट कर दो, तो डी एक्स अपॉन डी वाई सॉल्व होके आ गया साइन ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ब्रैकेट एक्स प्लस वाई, ये हमारा डी एक्स अपॉन डी वाई आ जाएगा। पर हमें डी वाई बाय डी एक्स चाहिए, तो भाई इसका रेसिप्रोकल ले लो, यहां लिख लेना टेकिंग रेसिप्रोकल्स। अगर ऐसे ब्रोकर ले लोगे तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर ब्रैकेट ए प्लस वाई अपॉन में साइन ए बन जाएगा। और अगर आपको ध्यान हो कार्तिक, तो यही चीज हमें प्रूफ भी करनी थी, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये कार्तिक आपके उसी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं चाहता हूँ 17 था, पढ़ें। इफ एक्स इक्वल्स टू ए ब्रैकेट कॉस टी प्लस टी साइन टी एंड वाई इक्वल्स टू ए ब्रैकेट साइन टी माइनस टी कॉस टी, फाइंड डबल डेरिवेटिव ऑफ वाई। इस क्वेश्चन पे भी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए अपनी बुक में, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट, ठीक है, ये ध्यान रखना। और अब मैं ये क्वेश्चन आपके लिए करने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन मैं यहीं पर एक बार लिख देता हूँ। डबल डेरिवेटिव निकालना है और पैरामेट्रिक फॉर्म है, ऐसा हमने एक भी नहीं किया, पर ये काफी इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ। एक्स हमें दिया हुआ है कॉस टी प्लस टी साइन टी, और वाई हमें दिया हुआ है ए ब्रैकेट साइन टी माइनस टी कॉस टी, ठीक है ना, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। और हमें फाइंड आउट क्या करना कार्तिक, डी टू वाई बाय डी एक्स टू हमें फाइंड आउट करना है। तो ध्यान दीजिए कैसे होगा, सबसे पहले तो मैं डी वाई बाय डी एक्स निकालूंगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। और डी वाई बाय डी एक्स डायरेक्ट नहीं निकलेगा, इसमें पहले डी एक्स बाय डी टी निकालना पड़ेगा, फिर डी वाई बाय डी टी, मैंने कहा ना पैरामेट्रिक फॉर्म है, ठीक है, ये मैंने ये लिखा हुआ है, ओके। डी एक्स बाय डी टी, देखो ए को एज इट इज लिखो, कॉस टी का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन टी, और टी साइन टी का लगाना तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगाना है यू इंटू वी, ठीक है, ध्यान देना। ये होगा फर्स्ट फंक्शन यानी कि टी इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन टी यानी कि कॉस टी, प्लस साइन टी इंटू डेरिवेटिव ऑफ टी, डेरिवेटिव ऑफ टी यानी कि वन होगा, राइट। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा ए ब्रैकेट माइनस साइन टी प्लस
t cos t प्लस में साइन t हो जाएगा, साइन t से ये कैंसल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा a t cos t, ये क्या आ गया dx by dt आ गया, इसे नंबर वन दे दीजिए आप, राइट। ऐसे ही y हमें दिया हुआ है, dy by dt हम निकालेंगे, ये as it is, sin t का डेरिवेटिव cos t, यहाँ माइनस है, ठीक है, यहाँ बेशक आप स्क्वायर ब्रैकेट बना दो, और अंदर इस t cos t का निकालना है तो प्रोडक्ट रूल लगाना है, राइट। फर्स्ट फंक्शन t इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos t माइनस sin t, ठीक है, फिर प्लस cos t इंटू डेरिवेटिव ऑफ t यानी कि 1, ये आ गया a, ये है cos t माइनस इंटू माइनस प्लस t sin t माइनस इंटू प्लस माइनस, तो ये cos t, cos t से cos t भी कट गया, ये क्या बच गया a t sin t, ये आ गया dy by dt, ये नंबर टू इक्वेशन है, ठीक है। अब आपको निकालना है dy by dx जो कि होगा dy by dt अपॉन में dx by dt, dy by dt की जगह a t sin t और इसकी जगह ए टी कॉस टी, ए टी से ए टी कैंसल, टेन टी, तो ये आ गया टेन टी, ठीक है ना, सीधा सीधा आ गया। पर अब ध्यान से सुनना, इसके बाद हमें निकालना है इसी फॉर्मूले से डी टू वाई वाई डी एक्स टू, तो उसके लिए फॉर्मूला बिल्कुल ही अलग है। वो कैसे होगा डिराइव, वो कुछ ऐसे होगा डी बाय डी एक्स ऑफ डी वाई बाय डी एक्स होगा, राइट। अब डी बाय डी एक्स तो डायरेक्ट तो निकल नहीं सकता, तो फॉर्मूला बनेगा डी बाई डी टी, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स जो है वो टी की टर्म में है, तो एक तरीके से डी टी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, बात समझ रहे हो। तो ये एक नया फॉर्मूला याद रखो, या तो अगर डी टू वाई बाई डी एक्स टू निकालना है और तीन फंक्शन है, पैरामेट्रिक फॉर्म है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है तो वो होगा डी बाई डी टी ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी टी बाई डी एक्स, क्योंकि देखो अगर कार्तिक डी टी से डी टी कट कर दोगे तो हमारे पास वही चीज बच जाएगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अब यहां वैल्यू डाल रहा हूं, dy by dx की जगह क्या आएगा, tan of t आएगा, ये tan t लिखा है मैंने, और dt by dx मतलब उसका उल्टा, dx by dt का रेसिप्रोकल, वो हो गया 1 over a t cos t। अब tan t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t हो जाएगा sec square t इनटू में वन अपॉन में ए टी कॉस टी, ठीक है। तो वन अपॉन ए टी को तो अलग रख लो, सेक स्क्वायर टी को अलग लिख लो, तो बच गया वन बाय कॉस टी, और वन बाय कॉस टी आपको पता क्या होता है, सेक टी होता है, राइट। तो फाइनल आंसर इस चीज का आ गया वन ओवर में ए टी इनटू सेक क्यूब टी, ये हमारा डी टू वाई बाय डी एक्स टू आ गया, ध्यान रखना फाइनल आंसर है 1 ओवर 80 इनटू sec क्यूब टी, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाना चाहूंगा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 18th, देखो इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते बोर्ड में, ये मॉडुलस का एग्जिस्ट करना है, तो मैं नहीं चाहूंगा आप इसमें टाइम वेस्ट करो, तो 18 19 20 21 22 ठीक है ना, इस टाइप के नहीं आते हैं बोर्ड में, तो इस पे टाइम वेस्ट मत करना, कर हाँ ये वाले करने आपको करने हैं, मैं अलग से करा दूंगा, ठीक है, ध्यान से सुनो ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ 18 19 20 21 22 ऐसे नहीं आते हैं बोर्ड में, आपको करने हैं मैं अलग से करा दूंगा, ठीक है। अभी फिलहाल हम 23rd कर रहे हैं इसमें अगला, क्योंकि जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है हम उन्हीं की वीडियोग्राफी कर रहे हैं। 23rd क्वेश्चन पढ़ लीजिए कार्तिक। If y equals to e raised to the power a cos inverse x, where x is comes between minus 1 and 1, show that bracket 1 minus x square double derivative of y minus x dy by dx minus a square y equals to 0. Okay. तो एक लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद मैं दो एग्जांपल और कराऊंगा, ठीक है ना, उसके बाद ये वीडियो हम रैप अप करेंगे। y हमें दिया हुआ है e की पार a cos इनवर्स x, और हमें ये शो करना है
कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाय डी एक्स टू माइनस एक्स इंटू ये वाई वन है माइनस ए स्क्वायर वाई जो है ये हमारा जीरो के इक्वल है। ठीक है, तो ध्यान से देखो इसे हम डिफरेंशिएट करने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आपको पता है ई की पार कुछ भी हो उसका सेम डेरिवेटिव वही सेम ही होता है, पर साथ में ये इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ ए कॉस इनवर्स बी एक्स ये भी होगा। मैं स्टेप वाइज लिख रहा हूँ, तो ये e की पार a cos इनवर्स तो x तो एज इट इज आएगा, यहाँ पर ये स्मॉल a कांस्टेंट है उसे बाहर रखो और cos इनवर्स x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस वन ओवर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया माइनस a इंटू में e की पार a cos इनवर्स x अपॉन में रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी जब आप इसका डबल डेरिवेटिव करोगे ना तो इसको ऐसे अलग से एक ब्रैकेट में ले लो ताकि सीधा इसमें मैं इसे u मानूं इसे v मानूं और अप्लाई कर सकूं। ठीक है, डिफरेंशिएट फिर से मैं कर रहा हूं, इसे फिलहाल इक्वेशन नंबर वन दे दीजिएगा। अब मैं यहाँ इसका डबल डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ और मैं पहले कह रहा हूँ मैंने क्या किया कार्तिक, माइनस ए को तो मैंने बाहर रखा है। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान से देखो डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ आएगा डिनोमिनेटर यानी कि रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर और e की पार a cos इनवर्स x का डेरिवेटिव हो जाएगा e की पार a cos इनवर्स x इंटू में a इंटू में माइनस वन अपॉन में रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ये एक ब्रैकेट में है ये माइनस डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर। अब न्यूमिनेटर क्या है e की पावर a cos इनवर्स x है। ठीक है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर था रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर उसका डेरिवेटिव हो गया वन ओवर में टू रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर इनटू में वन माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा जीरो माइनस टू एक्स। तो मैं डायरेक्टली माइनस टू एक्स लिख रहा हूँ राइट अब इसे ऐसे लिख रहा हूं। अब ध्यान से देखो कट क्या रहा है, यहाँ रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर से ये चीज कट रही है। ठीक है, और यहां पर बस ये टू से टू कट रहा है। ठीक है, और यहां पर ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट रहा है। तो ये डी टू वाई बाय डी एक्स टू अगर हमारा सॉल्व होगा तो ये बन जाएगा माइनस ए और कुछ कॉमन है। देखो ध्यान से देखो एक माइनस ए कॉमन है और ध्यान से देखो ई की पार ए कॉस इनवर्स एक्स भी कॉमन है। ठीक है, तो अंदर बच गया सिर्फ माइनस ए, ये माइनस और ये माइनस तो प्लस हो गया करते प्लस एक्स क्योंकि ई की पार ए कॉस इनवर्स एक्स पहले ही बार चला गया एक्स अपॉन में ये है रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। इसका भी एलसीएम मैं इसी स्टेप में ले लूंगा पर होल अपॉन में क्या है वन माइनस एक्स स्क्वायर है। यहां पर इसका एलसीएम मैं ले रहा हूं ये हो गया वन माइनस एक्स स्क्वायर ये हो गया माइनस ए माइनस ए इंटू रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स आ गया। थोड़ा सा बड़ा आ रहा है एक्सप्रेशन, कोई दिक्कत नहीं है। फर्दर इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा माइनस ए इंटू ई की पार अच्छे से लिखो क्योंकि मुझे देखना पड़ेगा आपकी कॉपी से ही। ठीक है, ई की पार कॉस इनवर्स एक्स यहाँ पॉजिटिव एक्स को मैं पहले लिख रहा हूँ फिर लिख रहा हूँ माइनस ए रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर और ये जो अपॉन में रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर और वन माइनस एक्स स्क्वायर है ये मिलके हो जाएंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल की पावर 3 बाय 2। इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 दे रहा हूँ। सबसे पहले प्लीज आप अच्छे से नोट कीजिए कुछ भी गड़बड़ ना हो। दिखाओ पेन दिखाओ मैं एक बार फिर से बता देता हूँ क्लास ए डी वाई बाई डी एक्स आया था हमारा माइनस ए इंटू ई की पावर ए कॉस इनवर्स एक्स अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर उसे 1 दिया था और डी टू वाई बाई डी एक्स टू आया था माइनस ए e की पार a cos इनवर्स x ब्रैकेट x माइनस a रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस x स्क्वायर होल की पार 3 बाय 2। ओके, अब मैं नेक्स्ट पेज ले रहा हूं और सबसे पहले जो हमें प्रूव करना था
वो मैं लिख रहा हूं, अगर आपको ध्यान हो तो आपको ये चीज प्रूव करनी थी, y2 की जगह d2y बाय dx2 भी लिख सकते हैं, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो। रुक जाओ रुक जाओ, अब मैं सबसे पहले वैल्यू डाल रहा हूँ, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर को तो ऐसे ही रहने दो, और डी टू वाई बाई डी एक्स टू अगर आपको ध्यान हो हमारा कितना आया है, माइनस ए इंटू ई की पार ए कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर ब्रैकेट एक्स माइनस ए रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल की पावर है 3/2। बेटा ये मैं पूरा का पूरा देखो ऐसे करते, LHS मैंने लिया है ये स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक है, और यहाँ पर देखो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स अगर आपको ध्यान हो तो वो आया था माइनस ए इंटू ई की पावर ए कॉस इनवर्स एक्स अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये चीज आई थी, माइनस ए स्क्वायर इंटू में वाई कितना था, सिर्फ यही था ई की पार, ये ए था, क्या लिख रहे हो, ई की पार ए है, चेक करो क्वेश्चन ही सही नहीं लिखा आपने, ई की पार ए कॉस इनवर्स एक्स है, यहाँ भी ई की पार ए कॉस इनवर्स एक्स, यही देख के टीचर आगे का गलत कर देगा, चेक ही नहीं करेगा, देख लेना, ये बोर्ड का रूल होता है बेटा। यहाँ देखो इससे ये काटोगे तो सिर्फ वन, ये 1/2 बच जाएगा कार्तिक, ठीक है, और ठीक है ना, 1/2 बच जाएगा, फिर ऐसे एलसीएम ले लो इन सब का, तो एलसीएम आएगा यही रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये 3/2 को माइंड में ऐसे लिख लेना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल का पावर 1/2, तो कैंसिल हो जाएगा, अब फर्दर मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा माइनस ए ई की पावर है ए कॉस इनवर्स एक्स, इसकी मल्टीप्लाई एक्स से करोगे तो यही आएगा, फिर इसी चीज एक्सप्रेशन की मल्टीप्लाई इससे करो तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस, ए इंटू ए हो गया ए स्क्वायर, ये ऐसे है रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर ए कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, फिर यहाँ करो माइनस माइनस, ये प्लस हो गया, ये हो गया ए एक्स इंटू ई की पावर, ये है ए कॉस इनवर्स एक्स, और ये है माइनस ए स्क्वायर इंटू में ये रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा इसके साथ इंटू ई की पावर ए कॉस इनवर्स एक्स, करो साथ साथ, सोच कर रहे हो, इस पूरे से ये पूरा कैंसिल, ठीक है, मैं रुकूंगा नहीं वीडियो में, और ये भी ए एक्स ही है, इससे फर्क नहीं पड़ता आगे पीछे लिखे हो, इस पूरे से ये पूरा कैंसिल हो गया, वी आर लेफ्ट विद 0 ओवर में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर विच इज 0, और यही हमें RHS लानी थी, हेंस प्रूफ। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है पर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पीड से मेरे साथ साथ ही करने हैं क्लास, आपने टाइम नहीं वेस्ट करना, ओके, दो एग्जांपल मैंने और चूज किए आपके लिए यही एनसीईआरटी से, ये देखिए 17th एग्जांपल पढ़िए कार्तिक, 47th है सॉरी, फॉर अ पॉजिटिव कांस्टेंट ए फाइंड डी वाई बाय डी एक्स वेयर वाई इज इक्वल्स टू ए रेज़ टू द पावर टी प्लस 1 बाय टी एंड एक्स इक्वल्स टू ब्रैकेट टी प्लस 1 बाय टी। सबसे पहले मैं आपके लिए यहाँ क्वेश्चन लिख देता हूँ, ये दो एग्जांपल काफी इंपॉर्टेंट है तभी मैंने आपके लिए चूज किए हैं, एग्जांपल नंबर है ये 47 और पेज नंबर है ये 190 एनसीईआरटी पर, वाई हमें यहाँ दिया हुआ है ए रेस टू द पावर टी प्लस 1 बाय टी, एक्स हमें दिया हुआ है टी प्लस 1 बाय टी होल का पारे, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, dy by dx फाइंड आउट करना है, और आपको पता है dy by dx क्या होगा, dy by dt अपॉन में dx by dt होगा, याद रखना, लॉग लेके भी कर सकते हो ऐसी बात नहीं है, ठीक है, और डायरेक्ट भी कर सकते हो करना चाहो तो, अगर आपको a की पार थीटा का पता है, a की पार मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ डेरिवेटिव ऑफ a की पार थीटा के उसमें है, तो वो होता है a की पार थीटा इंटू लॉग ए होता है टू द बेस ई, ठीक है, तो उसी फंडे से कर रहा हूँ, यहाँ पर टी के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, तो ए की पार टी प्लस 1 बाय टी का तो एज इट इज ही होगा, पर साथ में इंटू डी बाय डी टी, यहाँ लॉग ए भी आएगा, राइट, लॉग ए टू द बेस ई, पर यहाँ साथ में ये भी आएगा डी बाय डी टी ऑफ टी
और प्लस वन बाय टी को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, मतलब प्लस टी की पावर माइनस वन लिख रहा हूँ ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए, राइट। अब आप चाहो तो यहाँ इसका एलसीएम भी ले सकते हो, ये ऐसे हो जाएगा ए की पावर टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी हो जाएगा, इनटू में लॉग ए है टू द बेस ई, टी का डेरिवेटिव वन और टी की पावर माइनस वन का हो जाएगा माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर। ये हमारा डी वाई बाय डी टी आ गया, इसे आप इक्वेशन नंबर वन दे दीजिए, राइट। अब यहाँ से डी एक्स बाय डी टी करते हैं, ये तो सिंपल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो ए आगे आएगा आपको पता है, ये हो जाएगा टी प्लस वन बाय टी होल का पावर ए माइनस वन इन टू में डी बाय डी टी, और टी को डी लिख रहा हूँ और वन बाय टी को लिख रहा हूँ टी का पावर माइनस वन, ये जाएगा ए ब्रैकेट में टी प्लस वन बाय टी होल का पावर ए माइनस वन, टी का वन हो गया, ये हो गया माइनस वन बाय टी स्क्वायर हो गया, राइट। ओके, इसे नंबर टू दे रहा हूं। अब मुझे चाहिए डी वाई बाय डी एक्स, सभी को पता है ये होता है डी वाई बाय डी टी अपॉन में डी एक्स बाय डी टी, तो डी वाई बाय डी टी की जगह आ जाएगा ए रेस टू द पावर, आप इसे ऐसे ही रहने दो या ऐसे लिखो इससे फर्क नहीं पड़ेगा, टी स्क्वायर प्लस वन बाय टी इन टू लॉग ए टू द बेस ई इन टू में इसका एलसीएम ले लो, वन माइनस वन बाय टी स्क्वायर उसका एलसीएम ले लोगे, ये बन जाएगा टी स्क्वायर, एलसीएम आएगा टी स्क्वायर माइनस वन बन जाएगा, ठीक है, अपॉन में, अरे ये तो कट रहा था सीधा, एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है, चलो ले लिया तो कोई नहीं, यहाँ से इसका भी ले लो, ठीक है, और यहाँ पर इसका ले रहा हूँ एलसीएम है टी स्क्वायर, ये आ रहा है टी स्क्वायर माइनस वन और अपॉन, ये ऐसे है भाई, मैं थोड़ा सा सेपरेट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, ये ऐसे है स्टेप, ठीक है ना, ये अलग है स्टेप। ओके, आप ध्यान से देखो, ये तो हो गया, मैं एक बार फिर से साफ साफ लिख देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, डी वाई बाय डी टी की जगह मैंने लिखा है ए की पावर टी स्क्वायर प्लस वन बाय टी इन टू लॉग ए टू द बेस ई इन टू में टी स्क्वायर माइनस वन अपॉन में टी स्क्वायर, और डी एक्स बाय डी टी की जगह मैंने लिखा है ए इंटू टी प्लस वन बाय टी होल का पार ए माइनस वन इंटू टी स्क्वायर माइनस वन बाय टी स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखोगे ये तो पूरा कैंसल हो गया, ठीक है, लॉग ए टू द बेस ई नहीं भी लिखना, ऐसे लिखना तो भी चलेगा, ठीक है ना, वेरी गुड, यही आंसर है जो बुक में दिया हुआ है, उन्होंने बस ये टी स्क्वायर प्लस वन बाय टी को एज इट इज लिखा हुआ है, टी प्लस वन बाय टी, और लॉग ए टू द बेस ई नहीं लिखा, बस लॉग ए लिखा है, यहाँ पर ए लिखा है और इसे टी प्लस वन बाय टी होल का पार ए माइनस वन लिखा। क्लास एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और एक लास्ट क्वेश्चन मैं डिस्कस करना चाहूंगा कार्तिक, 48 आप प्लीज रीड कीजिए। Differentiate sin square x with respect to e cos x. Sin square x को e के पार cos x के रिस्पेक्ट में करना है। ये लास्ट क्वेश्चन है क्लास हमारा आज का। अगर डिफरेंशिएशन में RD से हम करेंगे जल्दी उसके लिए वीडियो बनाएंगे। इन द मीन टाइम NCERT से बस एक टॉपिक रह गया कॉन्टिन्यूटी, अब उसका मैं बनाऊंगा, राइट। फिलहाल यहाँ पर बोला है sin square x को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू e की पार cos x। सबसे पहले फंक्शन लेट कर लो, लेट कर लो u दिया हुआ है sin square x और ऐसे ही vx या सिंपली v दिया हुआ है e की पार cos x। अब आपको sin square x मतलब ये u है और ये v है, आपको इसको इसके रिस्पेक्ट में करना है, मतलब du by dv निकालना है, ध्यान रखना, और du by dv क्या होगा, वो हो जाएगा du by dx अपॉन में dv by dx। तो सबसे पहले du by dx हो जाएगा 2 आगे आ जाएगा sin x whole की power 2 minus 1 into derivative of sin x which is cos x, और dv by dx हो जाएगा e की power cos x as it is into derivative of cos x which is minus sin x, इसे लिखो माइनस साइन एक्स इंटू ई की पार कॉस एक्स, इसे नंबर वन दे दो,
इसे नंबर टू दे दो, और हमें क्या चाहिए, डीयू बाय डीवी चाहिए, जो कि होगा हमारा डीयू बाय डीएक्स अपॉन में डीवी बाय डीएक्स। तो डीयू बाय डीएक्स की जगह लिखो टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और डीवी बाय डीएक्स की जगह लिखो माइनस साइन एक्स इंटू ई की पार कॉस एक्स। साइन एक्स से साइन एक्स काट दो, फाइनल आंसर है हमारा माइनस में टू कॉस एक्स अपॉन में ई की पार कॉस एक्स। ठीक है क्लास, तो क्लास ये थी मिसलिनियस की वीडियोग्राफी, जिसमें हमने पूरा मिसलिनियस डिफ्रेंसिएशन का डिस्कस किया। थैंक यू।